अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मेडी क्विक फार्मेसी की ओपनिंग सेरेमनी पे। हमारे साथ इनके ओनर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जब भी कोई कारोबार शुरू किया जाता है उसका बेसिक मकसद इंसान का अपना फ़ायदा होता है, लेकिन ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें खिदमत खल्क का जज्बा सबसे नुमाया नज़र आता है। इनकी तीसरी ब्रांच की ओपनिंग है, सबसे पहले सर को मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो सर। खैर मुबारक। सबसे पहले तो इनके यही बात है कि जो क्या नाम है इसका, हमारी जो कम्युनिटी फार्मेसी सर्विसेज हैं हम उनको एक्सटेंड कर रहे हैं इस एरिया में। हमारी पहले दो मुख्तलिफ एरियाज में ब्रांचेज हैं और हम लोग अपनी कम्युनिटी में अपना रोल जो निभाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारा मेन मकसद जो है ना वो कम्युनिटी एजुकेशन है, हेल्थ अवेयरनेस ही हमारा सबसे बड़ा एजुकेशन यानी कि यहाँ पे मकसद है। बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर है वो टाइम लगेगा और उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को प्रोसीड करेंगे, लेकिन इसमें ये है ना कि लोगों को अवेयरनेस ना हेल्थ के मुताबिक लोगों की अवेयरनेस जो सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड पार्ट है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए ना यहाँ पे मेडिकल स्टोर पे या फार्मेसी पे हर वो परेशान बंदा आता है जो पहले से डॉक्टरों का या अपनी गुर्बत की वजह से थका हुआ बीमारी का मारा हुआ आता है। तो आपने अमले को किस किस्म की ट्रेनिंग का इरादा किया है कि वो लोग आगे भी हील कर सकें, आने वाले लोगों के लिए दर्दमंद दिल रखें और उनको परेशानी से बचें? जी, हमारा जो फार्मेसी स्टाफ है वो फुली ट्रेंड है और दूसरी बात है कि यहाँ पे फार्मेसी पे आपको हर वक्त 24 घंटे फार्मेसिस्ट अवेलेबल होगा, फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल होगा, मेल्स के लिए भी अवेलेबल होगा। कम्युनिटी फार्मेसी में हम लोगों से यही अपील करते हैं कि वो जो आप जब भी उनको कोई हेल्थ इशू है तो वो आप बिना झिझक आके अपने फार्मेसिस्ट से जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं और एक अपना रिलेशनशिप डिवेलप कर सकते हैं, जो जिसकी वजह से जो है लोग हेजिटेट ना करें अपने हेल्थ इशूज। सर हमें इसकी टाइमिंग के हवाले से बताइएगा, 24 आवर सर्विस होगी या 12 आवर? अभी तो ये जो है ना यहाँ पे रात के 12 बजे तक सर्विसेज है। अगर हमें लगा कि जो है ना रात के पिछले पहर भी इनके लोगों को हमारी ज़रूरत है तो हम इंशाल्लाह जो है ना 24 आवर्स बाकी ब्रांचेस की तरह इसको भी खोलेंगे। चलिए, शहर में इनका एक नाम है, एक मकाम है, दो ब्रांचेस ऑलरेडी इनके रन कर रही हैं, उसी की बेस पे जाहिर है कोई बंदा जब कामयाब होता है तो अपने वो बिज़नेस को या अपने काम को आगे लेके चलता है। इन सबसे पहले हम सर को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देते हैं। सर आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, अल्लाह आपके कारोबार में तरक्की दे और बरकत दे। हमारा लोगों से यही अपील है कि अपने हेल्थ के मुताबिक सीरियस हों, अपने हेल्थ अवेयरनेस को लेके आएं और अगर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू आ रहा है तो आके फार्मासिस्ट से डिस्कस करें, ठीक है। आपके सेहत के मुताबिक आपको हर तरह का मशवरा यहाँ पे मुखलिस होकर दिया जाएगा, बजाय इसके कि आप डॉक्टर के पास जाएं भारी भारी फीसें पे करें और आपको उसके बाद जो है ना अपनी हेल्थ के बारे में और ज़्यादा फिक्रमंद हो जाए। तो बेहतर है कि यहाँ पर आएँ और जो मेडिसिन के अलावा आप इलाज अपना कर सकते हैं उस पे पहले तवज्जो दें और उसके बाद अगर हमें लगेगा कि आपका इशू प्रॉब्लम ऐसे है तो हम आपको खुद ही डॉक्टर के पास रिकमेंड करेंगे। सर हमें एक और शॉट ही दीजिएगा देखने वालों को, हमें नंबर वन मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबिलिटी इसकी पॉसिबल है। सबसे ज़्यादा हमारा एम्फेसिस इसी बात पे है कि क्वालिटी मेडिकेशन हमारे पास अवेलेबल हो और हमारी पूरी सप्लाई चेन और हमारे पूरे जो सप्लायर हैं वो ऑथेंटिक और लाइसेंस्ड हैं। हम लोग जो है वो होलसेल या अनऑथराइज सोर्सेज से मेडिकेशन प्रोक्योर ही नहीं करते। हम बेहतर समझते हैं कि उस मेडिसिन को ना बेचा जाए बजाय इसके कि जिसके क्वालिटी के मुतालिक हम लोग श्योर नहीं है। हर अवेलेबल हर डिफरेंट फील्ड की, लाइक जैसे आइज़ की, गाइनीज़ की और सर्जिकल और जितने भी हमारे प्रॉपर सोर्स है और हमारा प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए। दर्द दिल के वास्ते पैदा गया इंसान को, वरना तात के लिए कम न थे करो बयां, ये इसी की एक मिसाल है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया टाइम देने के। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फार्मासिस्ट कुरतुल एन, आइए इनसे तफसीलन जानते हैं इस इवेंट के हवाले से, इस सेरेमनी के हवाले से क्या कहती हैं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक्सपीरियंस ये है कि एक्चुअली फर्स्ट मेरा यहाँ पे ट्रायल है, यहाँ कि मैं फार्मेसी या फर्स्ट ब्रांच से स्टार्ट की थी जो कि एक्चुअली इतनी कामयाब नहीं हुई, जिसकी वजह ये है कि वो ज़रा बेसमेंट थी क्योंकि एरिया हमारे पास बहुत मैटर करता है एरिया, हमारे लोगों के साथ एक्सपोजर। तो उसकी दूसरी ब्रांच हमारे माशाल्लाह से खुली 1 यूनिट चौक पे, एक हमारे पास एक और जगह पे भी, उसका मुझे तो नाम भूल गया। तो यहाँ पे इसका मेन कंसर्न ये है कि मतलब यहाँ मेडिसिन नहीं है, इसके अलावा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी है, क्योंकि जो कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो मेडिसिन के साथ साथ यहाँ पे बाकी प्रोडक्ट जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसके साथ जो उनका वो एक्सपोजर, तो वो इट्स काइंड ऑफ समथिंग दैट्स नॉट बीइंग प्रोवाइडेड इन अदर फार्मेसीज। तो दूसरी बात ये कि यहाँ पे एसेंशियल मेडिसिन हैं, जो एसेंशियल मेडिसिन मतलब जो हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, जैसे कि पैराडॉल है या फिर अदर एनसेड्स हैं जो पेन किलर्स हैं। तो जो हमारे पेशेंट्स हैं उनका एक्सपोजर उस मेडिसिन से ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो वो मेडिसिन जो ज़्यादा शॉर्ट हैं। तो हमारा बेसिक जो हमारे पास पर्पज़ है वो ये है कि हमने उनकी हर ज़रूरत को पूरा करना है,
एज वेल एज दिस फार्मेसी इज प्रोवाइडिंग अस वेल ट्रेंड फार्मासिस्ट जो कि हमारी पूरी प्रिस्क्रिप्शन को थॉरली हमें बताएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिसिन नहीं है तो हम कोशिश करेंगे हम उसका बेस्ट अल्टरनेट प्रोवाइड करें। हाँ, और चलिए बहुत शुक्रिया। ये थर्ड ब्रांच है, इससे आगे भी इंशाल्लाह प्रोग्रेस करेंगे और आई होप कि हम पेशेंट्स की उसके पूरा उत्तर तक। बहुत शुक्रिया आपका। इस इवेंट के हवाले से हमारे पास आज एक डाइटिशियन मौजूद है, डाइटिशियन हाजरा, ये बताएंगी इस फार्मेसी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है और यह क्या खिदमत अंजाम दे रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। जो है ना, हम हर्बियोटिक्स कंपनी की तरफ से आए हैं। मैं वेलनेस एम्बेसडर हूँ हर्बियोटिक्स कंपनी की और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन भी हूँ। सबसे पहले तो हम आमिर भाई का जो है ना थैंक यू करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ इन्वाइट किया, ठीक है, ओपनिंग पर। और जो है ना, वो हम हर्बियोटिक्स कंपनी की तरफ से हैं, इसमें डिफरेंट रेंजेस पड़ी हुई हैं कुछ भी। मैम, आप अपनी इन सब प्रोजेक्ट्स और रेंजेस के बारे में बताइएगा, खवातीन के लिए स्पेशली क्या क्या चीज़ें यहाँ। खवातीन के लिए ब्यूटी रेंजेस में पड़ी हुई है हमारे पास, इसके अलावा वुमेन्स की हेल्थ से रिलेटेड जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो उन रेंजेस में भी पड़ी हुई हैं। और मेंस की हेल्थ से रिलेटेड रेंजेस में भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा जो डायबिटिक इशूज़ होते हैं, यानी शुगर वगैरह का मसला होता है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट्स भी हैं। हाँ जी, जॉइंट्स हो गया, बोन्स, मसल से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं उनके से रिलेटेड भी हैं, हार्ट इशूज़ से रिलेटेड भी हैं, और किड्स की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के हवाले से जो आज इस सेरेमनी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेडिकल फार्मेसी की ये तीसरी ब्रांच है भावलपुर में और बहुत ही अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला मियार के साथ हमारे पास मेडिसिन मौजूद होती हैं। पूरे भावलपुर में हमारी होम डिलीवरी भी होती है, हमारे पास यहाँ पे हर किस्म की सर्विस मौजूद है, उसमें बीपी, ब्लड प्रेशर वगैरह, उसके अलावा हमारे पास शुगर की जो तमाम तर जो मेडिसिन भी वो भी मौजूद है और उसके हवाले से तमाम तर हमारे पास सर्विस भी मौजूद है। सर, अमले की ट्रेनिंग के हवाले से क्या कहेंगे? जितने भी आपके पास कारकुनान या वर्कर मौजूद हैं, हेल्पर मौजूद हैं, इनकी ट्रेनिंग के हवाले से इसको कोई खसूसी तौर पे गाइड करते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जितने भी लड़के इस टाइम खड़े हैं और बहुत ही सीनियर हैं और तमाम तर जो जितने भी सेल्समैन हैं वो कम अज़ कम 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ हमारे पास मौजूद है और हमारे पास फार्मासिस्ट जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं 24 आवर्स। तो किसी भी लिहाज से, किसी भी मसले मसाइल के लिए आपको किसी भी मसला मसाइल हो तो हमसे रजू कर सकते हैं। हमारी होम डिलीवरी भी हमारे फार्मासिस्ट भी देते हैं और हमारे सेल्समैन भी हमारे हमारे लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। भी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करी होती है किसी भी जगह पे, और ये एक ऐसी जगह पे मौजूद है कि जहाँ पर 3 से 4 तरह के जो टाउन्स हैं, जो अंडर डेवलप्ड टाउन्स हैं, उनको लिंक करती है। आप इस तरफ जाएंगे, हमजा टाउन है, नूरदी कोट वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर किसी किस्म की कोई हेल्थ फैसिलिटी मौजूद नहीं है। फिर इस तरफ जाएंगे तो अलीबाद वाली साइड पर कोई फैसिलिटी नहीं है। इस तरफ अलबत्त आपको सिविल हॉस्पिटल मिलता है, लेकिन वो भी इतना अच्छा खासा दूर है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी हो जाती है तो भी आपको नहीं मिली। तो ये मेडिक्विक एक तरह से मैं समझता हूँ कि मसीहा के तौर पर आपके सामने मौजूद है और यहाँ पर इंशाल्लाह आपको तमाम तर जो फ्री टेस्ट मौजूद हैं हमारे पास, शुगर का टेस्ट भी फ्री करते हैं, ब्लड प्रेशर का टेस्ट है, वेट मशीन है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, काउंसलिंग मिलती है, इसके अलावा साइड इफेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है ये और इसको अवेल करना चाहिए हर तरह से। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये वाकई रिमोट एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि तब्दीली लाई जाए मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से, और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इन लोगों का, इन्होंने लिया मेडिक्विक फार्मेसी के हवाले से। तो मजीद सर क्या कहना चाहिए? मैं बस मजीद ये कहना चाहूँगा कि आवाम को चाहिए कि अपने आप को अवेयर करें, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट अवेयर करें और इस तरीके से जो बेदरेक दवाइयों का इस्तेमाल है उसके लिए अपने आप को अवेयर करें, और अगर आपको अवेयरनेस नहीं मिलती तो हमारे पास हैं, हम मौजूद हैं, आपको अवेयर करें।